बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद के दो अलग अलग थाना क्षेत्र से 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा है। पहली खबर जनपद के खुर्जा से, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट का खुलासा किया है। शातिरों द्वारा 1 महीने पहले गुरुग्राम से लूटी हुई स्कॉर्पियो कार समेत 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और चाकू भी बरामद किए हैं। इनमें से एक शातिर खुर्जा और 2 गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के निवासी हैं। पूर्व में भी लुटेरों पर कई मामले पुलिस बता रही दर्ज। बुलंदशहर की खुर्जा नगर पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान खुर्जा जेवर रोड से 3 शातिरों को गिरफ्तार कर लूट का खुलासा किया है। बीती रात पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरे खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लूटी गई एक स्कॉर्पियो बरामद हुई है। अवैध असलहे, तमंचा, कारतूस, चाकू आदि की बरामदगी इनके कब्जे से की गई है। उल्लेखनीय यह है कि इसमें एक अभियुक्त मुकुल ग्रेटर नोएडा का है, जिसके विरुद्ध 3 मुकदमे बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में दर्ज हैं। दूसरा अभियुक्त युग चौधरी, इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, खुर्जा नगर बुलंदशहर का रहने वाला है। तीसरा अभियुक्त जय राघव, जो दादरी गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, इसके विरुद्ध 1 मुकदमा सूरजपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में पूर्व से दर्ज है। उल्लेखनीय यह है कि इनके कब्जे से जो स्कॉर्पियो बरामद की गई है, उसके संबंध में गुरुग्राम के पटौदी थाना क्षेत्र में मुकदमा 241/21 धारा 25(1)(b)(a)(Arms Act) व 365, 392, 394 IPC का दर्ज है। बरामद ज्ञात, इन्होंने गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, इन्हें जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए 3 लुटेरों के खिलाफ खुर्जा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर बुलंदशहर के ककोड़ से, जहां गार्ड को बंधक बनाकर निजी स्कूल में की गई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूटे हुए माल के साथ 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से स्कूल से लूटी हुई मैजिक भी बरामद की है। आरोपियों ने ककोड़ कोतवाली क्षेत्र में एक के बाद एक 2 लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए। ककोड़ के झांझर इलाके में 30 जुलाई की रात प्रॉपर्टी डीलर और 31 जुलाई को स्कूल में लूट की घटना कर फरार हो गए थे आरोपी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों का माल, 1 देसी तमंचा, खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी सेंट्रो कार से वारदातों को अंजाम देते थे। देखिए, दिनांक 30/21 जुलाई की रात में इथोस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे गार्ड को बंधक बना करके और उनकी मैजिक गाड़ी, 3 LED, 1 फ्रिज, कूलर, AC, 2 पंखे, इन्वर्टर, बैटरा और सौर ऊर्जा प्लेट, ये लूट की घटना आप पहले हुई थी, जिसमें गार्ड को बंधक बना लिया था असलहों के बल पे और ये सामान लाद करके ले गए थे। इसके बाद दूसरी घटना 1/8 की रात को हुई, जो एक व्यक्ति प्लाटिंग कर रहा था झाझर थाना क्षेत्र में, एक ऑफिस बना रखा था, वहाँ से इन्होंने इन्वर्टर, बैटरा, पंखा, सौर ऊर्जा प्लेट और सहित काफ़ी सामान ये उठा के ले गए थे। इन दोनों घटनाओं के बाद स्वाट की टीम और थाना ककोड़ की टीम ने मिल करके प्रयास शुरू किए और उसी क्रम में अपराधियों के बारे में अधिसूचना संकलन किया और बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ में इन 3 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और दोनों घटनाओं में लूटे गए सारे सामान की बरामदगी कर ली गई है। उल्लेखनीय यह है कि बहुत ही शातिर गैंग है, जिसमें मुख्य अभियुक्त मनोज उर्फ गुड्डू, जो आहार थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके विरुद्ध चोरी और लूट के कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा अभियुक्त जो संजू है, उसके विरुद्ध भी 19 मुकदमे दर्ज हैं और सभी मुकदमे चोरी और लूट के हैं। तीसरा अभियुक्त रविंद्र, इसके विरुद्ध 15 मुकदमे दर्ज हैं। उल्लेखनीय यह है कि विगत 3 वर्षों से जेल में बंद थे, अभी 13 तारीख को पिछले महीने जेल से जमानत पर छूटे हैं और छूटने के बाद इन्होंने 2 घटनाएं की और पुनः इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर जनपद के ही रहने वाले हैं 3 आरोपी। आरोपियों को गिरफ्तार कर ककोड़ पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है।
बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।